जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका है। 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास है आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री प्लान में। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी एंड व्यापम, फिर आपके लिए यहाँ पर रेफरल कोड आपसे पूछा जाता है, तो आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। फिर इसके बाद हम आपके लिए बता दें कि दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, यहाँ पर 2020 से प्री के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का मेगा प्री एमसीक्यू फेस्टिवल। यह आपका जो है 23 जनवरी से 27 जनवरी ताकि इसमें होंगे आपके दिन में 50 से भी ज्यादा लाइव सेशन और एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एमपीपीएससी प्री एंड अदर एमपी एग्जाम के लिए, और यहां पर दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी तैयारी के लिए, तो आज ही आप इसको इनरोल करें। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर अपनी जो है तैयारी को मजबूत करने के लिए, अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी लाया है आपके लिए मॉक टेस्ट, जिसमें यहाँ पर टॉप 3 विनर्स के लिए यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। इसके बाद आपके लिए हम बता दें अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जरूरत से भी ज्यादा आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी मनपसंद बैच को ज्वाइन करके कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये सारे जो बैच हैं, यह आपके कुछ बैच जो हैं स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाले ही हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, जो भी प्री 2020 क्लियर करना चाहता है तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको एक रिवीजन बैच में होंगी लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में आपके यहाँ पर लाइव एमसीक्यू रिवीजन होंगे, यहाँ पर रात में होंगे। और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो बैच है, इसमें होंगे आपके डेली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन, और इन दोनों बैच में आपको 20 से भी ज्यादा फुल मॉक टेस्ट यहां पर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी यहां पर आपके लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है, तो किस में भाग लेता है विटामिन B12 जो होता है, किस में भाग लेता है, आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, 4 विकल्प है आंसर बनता है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, और आखिरी में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनी है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर है क्या है, राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका 2, यहाँ पर राइट आंसर है RBCS के परिपक्वन में, आपका यहाँ पर जो है सही आंसर है विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर, सॉरी विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देख लें, ईस्ट है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है आपके लिए बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका कि ईस्ट है, यह क्या है, तो आपका सही आंसर है कवक, कवक यानी कि विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है, वह कौन सा बल है जो कार के टायर में घिसने में उत्तरदायी है, वह बल तो कौन सा, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, शारीरिक बल या घर्षण बल, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 विकल्प यहाँ पर आपके उपलब्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है, तो घर्षण बल विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, घर्षण बल राइट आंसर है यहाँ पर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए
हाइड्रोजन का बहुतायत से पाए जाने वाला समस्थानिक है? तो समस्थानिक पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाए जाने वाला समस्थानिक है पैरा हाइड्रोजन या ट्राइटियम या प्रोटियम या ड्यूटेरियम। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 4 और 4 विकल्प हैं, आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर क्या है, प्रोटियम, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जो रहते हैं इनका जो निष्कासन रहता है यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है यह बताना है। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर, परनलियां या बहुस्त्रावी या कीचड़ या नाली। तो क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर कीचड़, कीचड़ विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक भ्रम में स्थित द्रव्य में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा दाब की खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो क्या है इसका सही आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक भ्रम में स्थित द्रव्य में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव्य की खाली स्थान पर निर्भर करता है, भार इनमें से कोई नहीं, रंग या घनत्व। तो आपका सही आंसर है घनत्व, घनत्व यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 यहां पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? 3, 4, 2, 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प नंबर है आपका 4, सॉरी विकल्प नंबर 2 है और 4 यहां पर आपका राइट आंसर है, इसकी संयोजकता क्या है? 4 है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, अम्ल बनते हैं जब अधातुओं के ऑक्साइड में विलय होते हैं या क्षारियों को जल में घोलने पर क्रिया होती है या धातुओं की जल से क्रिया होती है, धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि अम्ल बनते हैं जब क्या होता है, तो आपका सही आंसर है क्या है कि अधातुओं के ऑक्साइडल में विलय होता है, यह आपका जो है सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सीमित निजी ऑपरेशन अनुमतियां हैं, तो सीमित निजी ऑपरेशन अनुमतियां हैं वन्य जीव अभ्यारण में, राष्ट्रीय उद्यान में, जंतु उद्यान में या बायोस्फीयर रिजर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वह राइट आंसर विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर 4 यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में सीमित निजी ऑपरेशन अनुमतियां अनुमानित है यहाँ पर अनुमानित लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब दो पिंडे एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं वे प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। परिमाण में आसमान और प्रकृति में आसमान आवेश या परिमाण में आसमान और प्रकृति में आसमान आवेश, परिमाण में समान और प्रकृति में आसमान समान एवं बराबर आवेश। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर, जब दो पिंडे एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो वे प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, परिमाण में समान और प्रकृति में असमान, आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका कौन सा यहाँ पर, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति है वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा, स्पीडोमीटर यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? परजीवी है मशरूम या ड्राडर या कवक या पिचर पादप। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा एक परजीवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है, पिचर पादप आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो है आंसर भी दिख गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है। गलत है तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है, गलत बताना है तो गलत है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? तो कौन सा है ह्यूमस प्रचुर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 यहाँ पर सही आंसर है, ऊपरी मृदा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं, विद्युत अपघटन की सतह पर, एनोड पर, कैथोड पर, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु प्राप्त होती है किस पर? कैथोड पर, विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहती है। तो वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहती है, तो इसको कहती है क्या कहती है? इसको कहती है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 फर्न, मॉसेज, सेवाल तथा कवक जनन करती हैं द्विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 का जो सही आंसर है फर्न, मॉसेज, सेवाल, कवक जनन करते हैं, तो सही आंसर है मुकुलन द्वारा, मुकुलन विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या है, देखिए एक चिकित्सकीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किंक होता है, तो क्या है इसका सही आंसर? पारी के उपयोग को कम करने के लिए, इसे स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाने के लिए, या ताकि मुंह से बाहर निकालते हुए थर्मामीटर में पारी का स्तर नीचे ना आए, या पारी के प्रसार को बढ़ाने के लिए। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किंक होता है, ताकि मुंह से बाहर निकालते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ जाए, यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 19 की, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के मध्य दूरी क्या होगी? तो इसके मध्य की दूरी क्या होगी यह बताना है, तो आपका सही आंसर है 8 मीटर, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें कि वायलिन एक संगीत का साज है जिनमें खाली स्थान, तो क्या है सही आंसर कि वायलिन जो है संगीत का एक साज है जिसमें खाली स्थान, तो इनमें से कोई नहीं, तनी हुई झिल्ली होती है, तनी हुई डोरी होती है, ये खींची हुई डोरी वाला लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि तनी हुई डोरी होती है, यह आपका सही आंसर विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगर आप MPPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपको यहाँ पर फ्री लाइव, यहाँ पर लाइव क्लास भी है, PDF नोट्स भी हैं, और यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए उपलब्ध हैं। ये आपका जो बैच है 26 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है, तो इसको आज ही आप ज्वाइन कर लें, लिंक सारे बैच की जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं और रिविजन कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको
ये संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर 270 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन ऑल सब्जेक्ट से संबंधित, और यहाँ पर एमपी के टॉप एजुकेटर हैं। लाइव क्लास है, 60 दिन का है कोर्स है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो है संकल्प एमपीपीएससी 2020 के लिए, इसमें आपको जो है डाउट क्लियर सेशन होता है। यहाँ पर आपका एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपका जो भी डाउट रहता है भाई आप तक सीमित नहीं रहता है, अब उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है लाइव क्लास के माध्यम से। यहाँ पर एक और है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति कोर्स है, जिसके माध्यम से यहाँ पर स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन का बैच कोर्स है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी मीडियम के माध्यम से लाइव क्लास यहाँ पर है, पीडीएफ नोट्स है और वीकली मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है आपका, 35 दिन का है, तो आज ही आप स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन करें। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, सिलेक्ट यहां पर आपके लिए सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम। इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जो है कोर्स की प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस है, 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये कोर्स है। 10% डिस्काउंट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट पाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी परीक्षा को बहुत ही मजबूत बनाएं अनअकैडमी के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है अनअकैडमी ऐप की, प्ले स्टोर से आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें। तो 20 क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीट हुए, कितने क्वेश्चन आपसे सही बने कमेंट में आपके लिए जरूर बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।